नमस्कार हमारे सभी YouTube साथियों, हम स्वागत करते हैं आपका पार्ट थ्री में। और दोस्तों, पार्ट थ्री में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ एक व्यूज़ हैं और यहाँ की जो लोकेशन है, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वो सब पार्ट थ्री में रहेगा। तो थोड़ा सा सामान हमारा शॉर्टेज हो गया था, तो मुझे गाड़ी के पास पहुँचना पड़ा और वहाँ से एक जो भी सामान था उसे मैं उठाकर ले आया हूँ। तो जिस जगह भी बैठा हूँ वो बहुत ख़ास जगह है दोस्तों। एक्चुअली मैं जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ तो मैं ज़रूर यहाँ पर बैठता हूँ। तो तब तक आप इन पहाड़ों का लुत्फ़ उठाइए और करते हैं थोड़ी सी बातचीत और आप लोगों से। तो चलिए, लेकिन दोस्तों इन पहाड़ों को देखकर जो है मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और कभी आपका अगर मन घूमने का हो तो कृपया हिमाचल में आए और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का जो एरिया है मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ट्रैकिंग करने वालों के लिए बहुत ख़ास जगह हैं ये। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए करते हैं अब अगली बातचीत और आप ध्यान से देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को। कुछ एक जूम व्यूज़ हैं और कुछ दूर से लिए गए व्यूज़ हैं। तो बाकी करते हैं फेस टू फेस अब आपसे बात। यह एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे मैं ज़रूर बैठता हूँ, जब भी यहाँ पे आता हूँ तो ज़रूर बैठता हूँ। मतलब आए हुए तो दो से तीन दिन हुए, लेकिन राउंड जो है 5 से 6 राउंड मेरे अभी तक यहाँ इस रास्ते के लग चुके हैं। तो जब भी मतलब मुझे थकान महसूस होती है तो मैं इस वाले पॉइंट पे ज़रूर बैठता हूँ, क्योंकि ये बहुत टॉप वाला पॉइंट है। यहाँ से नीचे को बिल्कुल जो है गहरा है, नीचे को बहुत बहुत गहरा है। तो सो गाइस बैठे हैं, हवा का मज़ा ले रहे हैं, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा है। अभी मैं एक पुट्टी का बैग उठा के लेके आया हूँ जो 20 kg के आसपास का होता है। यहाँ से काफ़ी दूर है, नीचे साथ में गांव एक दूर है, 10 मिनट का रास्ता वहाँ से करीबन लगता है। तो उस बैग को उठा के जब मैं लेके आया तो बहुत भारीपन लगा मुझे, क्योंकि रास्ता चढ़ाई वाला था। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा कि अब यहाँ पर ज़रूर बैठना चाहिए और यहाँ पर बैठ के जो है ठंडी हवा का जो है मुझे लुत्फ़ उठाना चाहिए। सो गाइज अभी आपने जो पहाड़ देखे सामने मैंने दिखाया, तो ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा। एक्चुअली उस स्टेशन में जो है आपको मतलब काफ़ी दूर तक आप नज़र मारेंगे तो आपको दूर तक। दोस्तों वीडियो लंबा होने की वजह से थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो मैं आपको अपने काम के फाइनल शॉट दिखा देता हूँ। काम हमारा फाइनल हो चुका है और आप देख ही सकते हैं कि काम पूरा फाइनल हो चुका है और हम अब कर रहे हैं घर की तैयारियां। तो दोस्तों चलते हैं तैयारियां करने। सो फाइनली गाइस काम ख़त्म हो चुका है और हम लोग घर वापसी कर रहे हैं। और सफ़र काफ़ी रोमांचक भरा था, ये तो आप लोगों ने भी देख ही लिया होगा। एक्चुअली रास्ता थोड़ा लंबा है तो सामान जो है अपनी पीठ पर ही उठा के ले जाना पड़ रहा है। उस दिन तो आपको दिखाई था कि घोड़े थे, बट लेकिन आज नहीं है, आज हम खुद ही घोड़े हैं। तो ओके गाइस, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आप लोगों का कि आप वीडियो में बने रहे। और फिर वही जाती बार एक ही बात कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा दिया करो ताकि जो भी नोटिफिकेशन होती हो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। क्योंकि इससे पहले जो भी वीडियो डलती है एक्चुअली नोटिफिकेशन ऑन ना होने की वजह से इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ पाते हैं। तो इसकी वजह वही रहती है कि आप लोग जो है बेल आइकन को नहीं दबाते हो। फर्स्ट ब्लॉगर हैं, इतना नॉलेज भी नहीं है वीडियो बनाने का, तो जो भी है आप लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं, जैसा भी है टेढ़ा फेढ़ा जो भी हो आप लोगों के लिए हमने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ठीक है, सो फाइनल गाइज हम लोग गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं और आगे का जो सफ़र है वो गाड़ी में ही है। तो अभी भाई साहब चाबी ढूंढ रहे हैं अपनी जेब में, लेकिन वो मेरी जेब में है। भाई साहब कभी गुस्से में हाय बोल दिया करो, अगर सुख में नहीं बोल सकते तो भाई जी आप बोल दो हाय।